दुधली ग्राम पंचायत के ग्राम प्रधान के घर के पास मुख्य सड़क मार्ग पर लंबे समय से क्षतिग्रस्त पुलिया किसी बड़ी दुर्घटना को न्योता दे रही है, लेकिन ग्रामीणों की शिकायत के बाद भी शासन प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है, जिस कारण क्षेत्र के लोग नाराज हैं। डोईवाला दुधली देहरादून मार्ग इन दिनों छोटे बड़े वाहनों का मुख्य मार्ग बन गया है। लोग अच्छी वाला टोल प्लाजा के टैक्स से बचने के लिए दुधली रोड का जमकर प्रयोग कर रहे हैं, जिस कारण क्षेत्र में वाहनों की आवाजाही बढ़ गई है। दुधली गांव में ग्राम प्रधान श्याम सिंह धामी के घर सामने मुख्य सड़क पर सिंचाई नहर पर बनी लोक निर्माण विभाग की 50 साल पुरानी पुलिया बदहाल है। मरम्मत के भाव में पुलिया जीर्णशील हालत में है। ग्रामीण लगातार शासन प्रशासन से इस क्षतिग्रस्त पुलिया की मरम्मत की मांग कर रहे हैं, लेकिन शायद विभाग के साथ शासन को भी इस मार्ग पर किसी बड़े हादसा का इंतजार है। पुलिया में बड़ी दरार जहां किसी बड़ी घटना को जन्म दे सकती है, तो ये पुलिया की स्थिति में काफी ज्यादा खराब हो गई है। जी सर, ये क्योंकि ये मेन रोड है हमारा देहरादून का डोईवाला, लेकिन इसमें हमारी बड़ी भारी भारी वाहन चलते हैं, जो बहुत से बार शिकायत करी। पिछली बार जब PWD वालों ने ये रोड बनाया था, उस समय भी हमने कहा था सर पहले आप रोड मत बनाइए, क्योंकि ये पुलिया को ठीक कराइए, लेकिन किसी ने हमारी नहीं सुनी। और बार बार क्योंकि इस रोड में हमारे बच्चे भी चलते हैं, स्कूली बच्चों को खतरा है, महिलाओं को खतरा है, छोटे छोटे बच्चे साइकिल से स्कूल जाते हैं, क्योंकि इसके लिए आवाज़ उठनी चाहिए, ये बनना चाहिए पुलिया, क्योंकि ये बरसात के समय के लिए और दिक्कत होती है। मेन समस्या क्या है, डर बना रहता है। ये पुरानी पुलिया है बहुत साल, क्योंकि आज 20 साल तो हमें भी यहाँ रहते रहते हो गए, हमने पुलिया ऐसा ही देखा, लेकिन ये दिन प्रतिदिन इसमें दरारें बढ़ती हुई जा रही हैं। 50 साल से हालात लगभग 8 साल से ऐसे हैं, क्योंकि हम भी उसमें इस पुलिया के नीचे हमने जाके नहीं देखा, लेकिन जब ये सिंचाई विभाग की यहाँ नहर बन रही थी उस दौरान हमने इसे देखा है, और उसके बाद हमने इसके लिए इन्फॉर्म किया था PWD को। PWD के अधिकारियों को भी हमने बताया था कि ये पुलिया के नीचे से सरिये बिल्कुल निकल चुके हैं और ये कभी भी पुलिया गिर सकती है, और ये पुलिया मेन रोड की पुलिया है, जो कि देहरादून से आने वाले मोटर मार्ग का जो रास्ता है, और डोयालो को शुगर मिल को होते हुए ये हरिद्वार जाता है। बिल्कुल दिक्कत होती है सर, इसमें कभी भी ये गिर सकता है, इसमें बहुत पहले भी ये इधर से बैठ गया था पहले से, तो इसके बारे में सरकार को कुछ सोचना चाहिए। इस पर ट्रैफिक भी बहुत चलता है, मेन है सर ये, तो मरम्मत होनी चाहिए। बिल्कुल मरम्मत होनी चाहिए सर, पूरा मरम्मत होनी चाहिए कि पूरा, बहुत पुराना पुल है सर ये, हमारे बचपन से देखते आ रहे हैं, तो तब का पुल है। डर बना रहता है, बिल्कुल बना रहता है सर।